इंगेजमेंट वर्ड सुनकर हमको कैसा लगता है कि भाई ये बहुत ही कठिन कार्य है, आसक्ति तो बन जाती है भौतिक जगत से, भौतिक व्यक्तियों से, भौतिक वस्तुओं से, कितनी आसक्ति है हमारी, तो डिटैचमेंट कहाँ से आएगी। तो लोकपाल जी बोलते हैं वैराग्य जो है वो तब आता है जब अनुराग हो जाए। ये बहुत ही ना आशकाना लैंग्वेज है कि क्या होता है, आपका अटैचमेंट तब तक रहता है जब तक आपको उससे ज्यादा आकर्षित कोई मिलता नहीं है। जब आपको जैसे किसी से पहले क्या होता है, वो है ना एक सॉन्ग में सुनते हैं कि अभी है ना जीवन जैसे बदल जाता है कि गोलियां खिलौने सारी सहेलियां अब मुझे अच्छी नहीं लगती, अभी ये चीजें अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब मुझे किसी से जब प्यार हो जाएगा ना तो ये दूसरी सारी जो हमारी पसंद की चीजें होंगी, ये घूमना फिरना चॉकलेट टॉफी और डॉल ये सब नहीं पसंद आएंगी। तो उस तरह से फिर इस तरह से फिर हम उसको प्राप्त कर लेंगे, फिर बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे की ओर पूरा आकर्षण हो जाता है ना, फिर वो जो है ना रोमांस है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, जब हमें भगवान की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तो भौतिक जगत से वैराग्य आ जाता है। ये बहुत सरल है लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये केवल सुनने से नहीं आता है, ये करने से आता है। जितना जितना हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं उतना उतना भौतिक जगत से डिटैचमेंट आती जाती है, खुद का खुद हो जाता है। जितना विशेष अनुराग होता उतना ही दृढ़ वैराग्य होता है। देखो कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, हम देखते हैं राजऋषि लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े राज होते हैं, हजारों रानियां होती हैं, धन होता है, और भगवान की ओर जाते हैं तो अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं।